गाजियाबाद में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिला के अभी तक 2 सरकारी और 6 प्राइवेट गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें लगभग 3500 गोवंश संरक्षण करने की क्षमता है। उनमें 3500 गोवंश संरक्षित भी हैं। इसके अलावा अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद भ्रमण के दौरान 3 गौशालाओं का शिलान्यास और 1 का लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाया गया था, और इन सब में मिला के लगभग 700 की क्षमता है। इसके अलावा हम लोग जो जनपद स्तर पर संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो नगर पालिकाओं की अवस्थापना निधि है, क्रिटिकल गैप है, ग्राम पंचायतों की निधि है, उनके माध्यम से जिन जिन क्षेत्रों में शिकायत है उन क्षेत्रों में और भी गौशालाएं बनाना प्रस्तावित कर रहे हैं, और कुल मिला के इस वक्त 4 प्रस्ताव और हैं जिन पर विचार चल रहा है। इसके अलावा जो पशुपालन विभाग है उनको भी निर्देशित किया गया है कि जनपद में कितने गौवंश हैं जिनको संरक्षित करना आवश्यक है, उनका भी सर्वे यथाशीघ्र कराएं, ताकि 1 हफ्ते में हम लोग ये भी निकाल पाएं कि कितने गौवंश संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो नगर निगम, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सभी संसाधनों को डकटेल करके हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी गोवंश संरक्षण की आवश्यकता यहाँ पे है उतनी गौशालाएं हम लोग हर हाल में जनवरी अंत तक संचालित करा दें। इसके अलावा जो गौशालाएं बन रही हैं उनका सही तरीके से संचालन हो, चारे की व्यवस्था, और उनको आगे चलाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ग्राम स्तर पे, नगर पालिका स्तर पे समितियां बने। और इसमें आम लोगों से भी अपील है कि जो इस तरह के काम में सहयोग देना चाहे, गौवन संरक्षण में सहयोग देना चाहे, वो आगे बढ़ के आए और प्रशासन का सहयोग दें।